एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है। 17-18 जून को दिल्ली में होगी कमांडर कॉन्फ्रेंस, इस वक्त की बड़ी खबर। कल ही दिल्ली पहुंच जाएंगे सेना के टॉप कमांडर। 2 दिन तक सेना की तैयारियों पर होगा मंथन। आर्मी चीफ, वाइस चीफ और डिप्टी चीफ रहेंगे मौजूद। एलएसी और एलओसी तक सुरक्षा इंतजामों पर डिटेल रिव्यू किया जाएगा। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मैं फिर से एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि यह बहुत बड़ी खबर है, ध्यान दें इस पर आप। 17 और 18 जून को दिल्ली में होगी कमांडर कॉन्फ्रेंस। सुमित मेरे सहयोगी आ चुके हैं, मैं उनसे अभी अभी इस पर इनपुट लूंगा। और कल ही यहां पर 2 दिन तक सेना की तैयारियों पर मंथन होगा। आर्मी चीफ और ये जो बैठक चल रही है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा इसका टारगेट क्या है, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस कहां पर है, ये हम जानना चाहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, इसमें यह भी बताया जा रहा है। सुमित मेरे साथ है, सुमित क्या जानकारी है? देखिए मैं निशांत, कल ही जो सभी टॉप कमांडर्स हैं, पीएसओ हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने बड़े टॉप ऑफिशियल्स हैं वो दिल्ली में होंगे और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। 17 और 18 तारीख को 2 दिन की एक कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ना सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण होगा थिएटर कमांड को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसका खाका तैयार करना है आर्मी परस्पेक्टिव से, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को किस तरीके से उसका रोड मैप तैयार करना है इंप्लीमेंटेशन का, जो पिछले अगले साल यानी 2022 में लागू होगी। इसके अलावा आपका नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर्स पर क्या कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग होगी, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु पिछले अगले 2 दिन में डिस्कस किए जाएंगे 17 और 18 तारीख को। और ये भी तय किया जाएगा कि आखिरकार हमें अपने आगे के तैयारियों को किस तरीके से रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या अपनी अपनी विंटर डिप्लॉयमेंट को किस तरीके से तैयार रखना है, ये सारे फैसले या फिर सारी रणनीति डिस्कशंस इन 2 दिन में किए जाएंगे। निशान, आप जो बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सुमित इसका फोकस क्या है, चाइना या पाकिस्तान? देखिए वेस्टर्न थिएटर और वेस्टर्न कमांड और अगर आप देखें नॉर्दर्न बॉर्डर्स को, तो सीधे तौर पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ही इन दोनों एरियाज को पढ़ते हैं। और इसका मतलब ना सिर्फ अपनी 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 कमांड्स को किस तरीके से तैयार करना है, बल्कि ये भी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके दूसरी जो तैयारियां फॉरवर्ड प्लानिंग, वो अगले एक साल की यानी विंटर के साथ साथ अगले एक साल आपको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।